राजधानी दिल्ली में जैसे ही लोग ऑफिस के लिए निकलने सुबह के वक्त, वैसे ही साफ तौर पर उनका सामना बारिश से हुआ और लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, लोग अपने ऑफिसेज को निकले और दिन में ही अंधेरे जैसी स्थिति हो गई, लिहाजा जितने वाहन चालक हैं उनको अपनी हेडलाइट भी जलानी पड़ी ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो सके। और आप तस्वीर में सीधे तौर पर देखेंगे कि किस तरह से जो दो पहिया वाहन चालक हैं उन्होंने मेट्रो के एलिवेटेड फ्लाईओवर का सहारा लिया है इस पानी से बचने के लिए। और साफ तौर पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आईपी डिपो के करीब की हैं और यही वजह है कि यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा धीमा ज़रूर दिखाई दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्थिति दिखाई देगी कि किस तरह से वाहन यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। और अमूमन आप देखिए कि जो आईपी डिपो के पास का इलाका है, ये जो बस आप चलती हुई देख रहे हैं उसके ठीक सामने जो है जलभराव भी हो चुका है। और साफ तौर पर आज मौसम विभाग का येलो अलर्ट है और इस येलो अलर्ट के बीच में आपको ये भी खास तौर पर बता दूं कि इस अगस्त के महीने में ही बारिश ने तकरीबन 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 300 से ज़्यादा mm की बारिश अब तक अगस्त के महीने में ही हो चुकी है। और अगर 1 अगस्त की मैं बात करूं तो तकरीबन एक ही दिन बारिश हुई थी तो 107 mm से ज़्यादा की बारिश हो गई थी। तो साफ तौर पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि येलो अलर्ट के बीच हल्की और मध्यम बारिश दिल्ली NCR के इलाकों में हो सकती है। यानी कई इलाके निचले ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है, तो कई ऐसे हैं जहां पर जो है पानी भर गया है। और आपको ये भी बताता चलूं कि इस मानसून सीज़न में दिल्ली में इसी सिविक इशूज़ की वजह से तकरीबन 20 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन बारिश को लेकर क्या तैयारियां करता है, ये तो बारिश बीत जाने के बाद ही पता चलेगा। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, आईपी डिपो, आज तक।